स्वागत करता हूँ दोस्तों और एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसा कहानी या ऐसा घटना लेकर आया हूँ जो शायद ही आप लोगों ने कभी भी या फिर किसी भी YouTube चैनल में या फिर रेडियो TV कहीं पे भी सुना होगा। आज का कहानी जहाँ से आया है वो जगह है राजस्थान, एंड ये एक क्राइम को अंजाम देने के बाद ये भूतिया घटना उन सारे ही लोगों के साथ हुआ। अब बोल सकते हो कि भाई क्राइम देने के बाद अगर किसी के साथ होता है तो वो क्रिमिनल है, पर आपको कैसे पता चला? ये स्टोरी एक पुलिस ऑफिसर के बेटे ने मुझे सेंड किया, तो शुक्रिया कमल, आपने हमें ये स्टोरी सेंड किया। एंड आई होप फ्यूचर में भी आप ऐसे ही स्टोरी सेंड करके हमारी स्टॉक विद सोनू चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो आओ सुनते हैं आज का स्टोरी। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो और स्टार्ट टूडेज एपिसोड। आज का जो घटना है वो एक हॉस्पिटल का घटना है, एंड थोड़ा बोलने में मुझे दिक्कत हो रहा है क्योंकि मतलब एक डेढ़ महीने से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे दोस्तों। आज का जो कहानी है ना, वो कहानी सुनने के बाद आपको मतलब लगेगा कि समाज में बहुत कुछ गलत हो रहा है, सिर्फ हम एक पार्ट को देखते हैं, दूसरा पार्ट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। आज का कहानी एक हॉस्पिटल का कहानी है ना, आपको सुनने को भी मिलेगा कि डॉक्टर्स, नर्स या फिर बोल सकते हो जो लोग भी सिस्टम में पावर में है ना, चाहे डॉक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी, पुलिस हो या फिर ऑफिस का बॉस हो सकता है, स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, कॉलेज का HOD हो सकता है, वो लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो लोग तो उन लोगों को लगता है कि दुनिया में हमें ये पोस्ट मिला है, हम जो मर्जी कर सकते हैं, कोई देखने वाला है ही नहीं। तो सेम इंसिडेंट हुआ राजस्थान के एक हॉस्पिटल में। ऑफ कोर्स ही भाई, मैं हॉस्पिटल का नाम और फिर किसी का भी नाम यहाँ पर रिवील नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, ये 11 या फिर 12 जन इस चीज़ में इंक्लूडेड है। सबसे पहले एक पेशेंट है जो कि एक लड़की है, एंड 11-12 बोल सकते हो डॉक्टर्स, नर्सेस, आप बोल सकते हो कि क्लर्क होता है जो हॉस्पिटल का, मतलब नेग्लिजेंस या फिर ये क्राइम है, एक टाइप से ये क्राइम है। तो बेसिकली वो जो लड़की होता है वो उस लड़की का एक जो केस होता है, मतलब हिट एंड रन केस होता है। तो घर वाले उस लड़की को उस हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, एंड घर वाले बोलता है कि जो पैसा लगता है डॉक्टर साहब आप लो, जो पैसा लगता है आप लो, पर बेटी को बचा दो। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। पर रात के तब 2-2:30 बज रहे थे, एंड डॉक्टर्स को लगा कि ये वो हिट एंड रन वाला केस है, तो जो होगा जो देखा जाएगा। उन्होंने अपना 100% नहीं दिया। वो लड़की जिंदा थी जब उस लड़की को डॉक्टर ने, सारे ही उस हॉस्पिटल के जितने भी वर्कर्स थे, चाहे वो नर्स बोल सकते हो, डॉक्टर बोल सकते हो, वो उन लोगों ने बता दिया कि शी इज़ नो मोर। पर तब भी दैट विक्टिम गर्ल वॉज अ लाइफ। उसके 1-1.5 घंटे बाद एक क्लर्क को वो चीज़ दिखा कि ECG मशीन फिर भी मतलब अभी भी चल रहा है, पर उन लोगों ने बता दिया था घर वालों को कि शी इज़ नो मोर, एंड आप उनको 4 घंटे बाद ले जा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हॉस्पिटल जो होता है वहाँ का एक नियम होता है कि पेशेंट एक्सपायर कर जाने के बाद आप एज सून एज पॉसिबल नहीं ले जा सकते, 4 घंटे टाइम होता है, उसके बाद ही आप ले जा सकते हो। तो उस क्लर्क ने जैसे ही देखा, उस क्लर्क ने पहले सोचा कि मैं बता देता हूँ इनके घर वालों को कि ये चीज़ हुआ, डॉक्टर लोग आपको गलत बोल रहे हैं। पर उसके बाद जैसे ही उन लोगों ने मतलब बोल सकते ग्रुप के लोगों ने इसको पैसा दिया कि चुप से रहें, किसी को मत बता, इस लड़की का भी मोटा बिल बनाएंगे, उसके बाद ही छोड़ेंगे। मतलब सुनने में आपको लग सकता है कि ये मतलब मनगढ़ंत कहानी है, मनगढ़ंत घटना है, पर ऐसा रियल लाइफ में बहुत जगह पे होता था, होता है और होता रहेगा ये चीज़। तो फिर वो मतलब वो क्लर्क भी चुप हो गया। अब 2-2.5 घंटे बाद वो लड़की
सच में एक्सपायर कर गई क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। एंड डॉक्टरों ने उन लोगों से मतलब घर वालों से ये मांग किया कि 1.5 लाख का एक बिल हुआ, आप वो पेमेंट कर दो, उसके बाद ही आपको बॉडी छोड़ा जाएगा। तो उन लोगों ने इंतजाम कर दिया, ठीक ठाक पैसे वाले थे वो लोग। अब होता क्या है, वो लोग एकदम होता है ना कि बेटी थी, मतलब एज भी बहुत, मतलब एज बहुत, मतलब बहुत कम उम्र के थे, 18-19 ऐसा था। तो वो लोग रोते होते ले जा रहे। तो एक नर्स क्या बोलती है कि मतलब गाली देती है कि अबे इसके लिए क्या, क्यों रोती है, मर गई साली, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है उन लोगों का टोन। तो हुआ क्या, वो लोग एक ऊपर में बैठ के वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, डॉक्टर्स नर्स बोल सकते हो, खाना वाना खा रहे थे। अब होता यहाँ से कहानी शुरू, अचानक से वो लोग देखता है कि उन लोगों के आसपास कोई एक साया घूम रही है। उन लोगों ने ध्यान नहीं देखे क्योंकि वो लोग नशा कर रहे थे, अल्कोहल पी रहे थे। उसके बाद कंटिन्यूसली उन लोगों को मार पड़ रही थी, सही सुना आपने, मार, मतलब कोई पीछे से आके, मतलब होता है ना कि दम लगा के कोई पीट रहा हो, वैसे ही सेम चीज़ उन सभी, मतलब सभी के साथ हो रहा था। मतलब किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई किसी को देख नहीं पा रहा, पर फिर भी मतलब लग रहा है। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग यकीन भी नहीं कर रहे क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि हम लोगों ने ज़्यादा पी ली है। अब क्या होता है, उन सभी लोगों को ये दिखता है, उस लड़की का, मतलब वो लड़की दिखती है। एंड वो लड़की उन लोगों से बोल रही है कि मैं ज़िंदा थी, तुम लोगों ने कोशिश भी नहीं किया कि इसको बचाया जाए। अब जब तक मैं तुम लोगों को ना ख़त्म कर देती हूँ मैं नहीं जाऊँगी। और ये जैसे ही बोला ना, वहाँ का पूरा लाइट जा चुका है। भले ही आपको ये सुनने में मतलब लग रहा है कि कैसे हुआ, मतलब ये फिल्म वाला चीज़ है, किसने बोला ये आपको, को कहानी एंड तक सुनो, पता लग जाएगा। तो वो लोग डर गए, सारे जितने वो डॉक्टर वाले के टीम थे वो लोग डर गए। अब पूरा मतलब हुआ क्या, मतलब वो लोग जब लिफ्ट से आने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग देखे कि जो लिफ्ट होता है वो बंद हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चला गया। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक काम करते हैं, स्टेयर से यूज़ करते हैं, यहाँ पे खड़े रहने को कोई मतलब नहीं बनता, और भाई हम लोग को डर लग रहा है, हम लोग स्टेयर से जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, पता नहीं कौन आके ना बहुत ज़ोर ज़ोर से लात मार रहा था, हम लोग ना गिरते हुए आए, सर फट गया, किसी का हाथ में लगा। और तब ना अंदर डर चल रहा है, खौफ चल रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है हमारे साथ, मतलब हम नशे में हैं ये तो पता है पर असल में क्या हो रहा है। उसके बाद इन लोगों ने गाड़ी निकाली, ये लोग मतलब ये इन लोगों ने सोचा कि चलो घर जाते हैं। अब ये जो इंसिडेंट हुआ जो बताऊँगा, ये 11 जन के साथ अलग अलग हुआ। 3-4 लोग गाड़ी में थे, उन लोग वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारा स्टीयरिंग कोई और कंट्रोल कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई हमें ऐसा, मतलब होता है ना कि हाथ अगर उंगली बढ़ जाता है तो कोई ऐसे नोच लेता है, वैसा लग रहा है। एंड हम लोगों को दिख रहा है कि गाड़ी के सामने कोई लड़की है, एंड हमें वो साउंड सुनाई दे रहा है कि जब तक तुम लोग जिंदा हो ना तुम लोगों को ख़त्म करे बगैर मैं जाऊँगा नहीं। तो उसके बाद उन लोगों ने मतलब उस लड़की ने बोला कि तुम लोग खुद को जब तक पुलिस के अंडर मतलब सरेंडर नहीं करोगे तुम लोग को मैं जान से ख़त्म कर दूंगी। तो उसके बाद इन सारे लोगों ने मतलब डर के मारे इन लोगों ने पुलिस के पास गया, सारा कुछ चीज़ पुलिस को बताया। तो पुलिस को बताया तो जितने भी लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए थे, ये सब चीज़ के मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं पुलिस स्टेशन में थे, वहीं के एक ऑफिसर का बेटा कमल है, उनको उन्होंने मुझे स्टोरी सेंड किया। तो बेसिकली ये एक क्राइम है कि वो लोग मतलब अगर चाहते तो बचा सकते थे आराम से, पर उन लोगों ने वैसा नहीं किया एंड बिल ले लिया, सिर्फ मतलब पैसा ले लिया। तो ये स्टोरी मतलब कभी कभी ये सब सुनने में लगता है कि भाई किस पर यकीन करे, पैसा दे रहे उसके बाद भी अगर लोग मतलब समझ सकते हो ये कोई मतलब फालतू का चीज़ नहीं है कि ठीक है चलो ये हो गया, भाई किसी का मरने जीने का ये सवाल है भाई। तो ये था इसका स्टोरी, एंड स्टोरी बोलने में ना मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सांस फूल रहा है क्योंकि मतलब बुखार खांसी ये सारा कुछ है अभी,
सर बुखार तो था, खांसी, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो अंदर से ऐसा अलग अलग मतलब बुरा फील हो रहा है। तो बाकी ये था स्टोरी का, स्टोरी पसंद आ देन गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, मिलता है आपको नेक्स्ट ऐसा ही तगड़ा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, भाई सभी को।